Okay, Ji, Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to the course of mobile and mobile application development. Take care. This is the third lecture of this course. और इसमें हम देखते हैं, हमने इससे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, स्पेशली एंड्रॉयड में, सो वी नीड टू हैव अ वेरी साउंड बैकग्राउंड ऑफ जावा. ठीक है, तो वो जावा स्पेशल लेक्चर्स में हमने जावा कवर कर लिया है. ठीक है, ऑलमोस्ट इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने बेसिक रिक्वायर्ड है जावा के, वो हमने कवर कर लिए थे. आज हम देखते हैं कि व्हाई वी प्रेफर जावा व्हाइल डूइंग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि जावा आई मीन सॉरी एंड्रॉयड के अलावा भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो हम उनके लिए एप्लीकेशंस क्यों नहीं डिज़ाइन करते हैं, या इस कोर्स में हमने वो क्यों फोकस नहीं रखा हुआ, व्हाई एंड्रॉयड. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्मार्टफोन्स क्या चीज़ है. ठीक है, और आम फोन से कैसे डिफरेंट होता है, फिर कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, या इन अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मोबाइल फोन्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए. ठीक है, तो वो सारे देखते हैं जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो देख लेंगे, और फिर उसके बाद जावा में से डोमिनेंट क्यों हैं. ठीक है, इस पे हम लैंड कर जाएंगे, और फिर जावा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कुछ डिटेल्स हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, और फिर जावा के लिए कौन सी टूल्स रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो SDK और JDK वगैरह पे बात होगी, फिर जावा के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो वर्जन्स और फिर API लेवल्स हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस हैं. ठीक है, तो ये इस लेक्चर का फोकस रहेगा. ये मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग को पता चले कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस कोर्स. ठीक है, और इस कोर्स में पर्टिकुलर एंड्रॉयड ही क्यों, बिकॉज दिस टाइटल इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सो देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन टारगेट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्लान ऑफ दिस कोर्स, बट व्हाई वी आर टारगेटिंग एंड्रॉयड, सो इसकी मोटिवेशन हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो स्मार्टफोन्स, अ स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फोन. ठीक है, that offers more advanced computing ability. So it is, the smartphone is actually more than a simple mobile phone. Okay? It gives us different features, extra features, and connectivity than a contemporary mobile phone, jo baki iske hum sir mobile phones hain. Theek hai, usse zyada hame is tarah aap logo ke paas purane zamane ka jo Nokia wala phone hota tha, usme internet ki koi facility nahi hoti thi, connectivity ki उसमें व्हाट्सएप ये चीज़ें नहीं होती थी. ठीक है, वो बहुत लिमिटेड, उसके अंदर आप टेक्स्ट मैसेज लिख सकते थे. तो अब स्मार्टफोन्स आ गए, उसमें तो कैमरा भी है, उसमें व्हाट्सएप, इस तरह के ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कैलेंडर्स भी है, अच्छे सोफिस्टिकेटेड कैलेंडर्स हैं. ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि नॉर्मल फ़ोन में नहीं होते थे. ओके, स्मार्टफोन्स में भी थॉट ऑफ एज हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड विद द मोबाइल टेलीफोन. तो स्मार्टफोन आप ऐसे कर सकते, ये एक कंप्यूटर ही होता है जो आप हैंड्स में कैरी कर सकते हैं, फिर पॉकेट, तो कंप्यूटर होता है, और साथ में आपको जो टेलीफोन या कनेक्टिविटी, आई मीन कॉल वगैरह की जो फैसिलिटी है वो भी आपको प्रोवाइड करता है. सो स्मार्टफोन इज़ अ कंप्यूटर, आई मीन स्मार्ट कंप्यूटर, एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल थ्रू टेलीफोन.
They also provide their own operating system with application development framework. Okay, smartphones जो हैं उनके ऊपर एक ऑपरेशन में इंस्टॉल होता है, जिस तरह नॉर्मल कंप्यूटर फोन्स के ऊपर होता है, सॉरी कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर होता है, ठीक है, और वो एक मोबाइल एप्लीकेशन या एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, जिनको यूज़ करके लोग उस प्लेटफॉर्म के लिए या उस स्मार्टफोन के लिए, उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर इंस्टॉल है उसके लिए ऐप डेवलप कर सकता है यूजिंग दैट फ्रेमवर्क। आप मज़ीद स्मार्टफोन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, कौन से कैटेगरीज हैं, किस तरह इनकी हिस्ट्री इवॉल्व हुई है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, ये लिंक आपको प्रोवाइडेड है। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, सो देयर आर फोर मेजर प्लेटफॉर्म्स। वन इज iOS, ठीक है, जो कि एप्पल का प्रोडक्ट है, और ये आईफोन्स के लिए ही होता है। द सेकेंड वन इज़ एंड्रॉयड, नॉर्मली सैमसंग के सिस्टम्स के ऊपर ये होता है, लेकिन अदर कुछ मोबाइल फोन्स हैं जिनके ऊपर भी एंड्रॉयड इंस्टॉल हो सकता है, किया जाता है। थर्ड वन इज़ विंडोज़ फ़ोन। पहले तो इनकी लूमिया सीरीज होती थी, उसके ऊपर ये इंस्टॉल होता था, लेकिन आजकल लूमिया ने इसको अक्वायर कर लिया है, तो विंडोज़ जो है वो नोकिया सिस्टम्स के ऊपर भी इंस्टॉल होता है। एंड थर्ड वन इज़ ब्लैकबेरी, ठीक है, ये इनके अपने मोबाइल्स हैं, उनके ऊपर ही कई, ठीक है। सो व्हाई वी नीड अ मोबाइल, आई मीन मोबाइल प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, बिकॉज एज वी एग्रीड ऑन द फैक्ट दैट द स्मार्टफोन इज नॉट अ सिंपल फोन, इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर, एंड वी नो दिस फ्रॉम द प्रीवियस कोर्सेज दैट इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्यूटर रन, टू मेक इट able to work, we need a kind of operating system that actually manages the activity of the phone, okay? तो जो हमने ये तय किया कि मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है, तो फिर इसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है, और उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है। सो वॉट मेक्स अ फोन वर्क, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू मूव वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, टॉक टू योर मोबाइल एंड इवन प्ले गेम्स ऑन योर मोबाइल, कैसे हम इस काबिल होते हैं कि हम ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। द आंसर इज सिंपल, ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ यू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम हेडेक टू कंट्रोल ऑल दीज एक्टिविटीज़। सो एज अ मोबाइल फोन यूजर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट यू कैन नो वट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो अगर आप मोबाइल फोन यूज़र हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन से पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, उनमें मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये जितने भी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ iOS, फॉर्मरली इसको आईफोन OS कहा करते थे, ठीक है, फिर ये बाद में शॉर्ट होकर iOS बन गया। ये पहले आईफोन OS था, जो कि आईफोन्स के ऊपर ही ये फैसिलिटेट करता था यूजर्स को। क्रिएटेड बाय एप्पल, सो मैन्युफैक्चरर जो है वो एप्पल ही है। iOS इज अमंग द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड टुडे, सो मोस्ट पॉपुलर जो है वो यही है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यही समझ आता है। इट इज कैरेक्टराइज विद क्लास एंड प्रेस्टीज व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन्स, तो इसकी अपनी एक क्लास है, ठीक है, इसका अपना एक चार्म है, तो इस वजह से ये पॉपुलर भी है। दिस OS इज़ ओनली फाउंड इन द आईफोन्स, इट इज़ डिज़ाइन ओनली फॉर आईफोन्स एंड अदर एप्पल्स डिवाइसेस, तो बाकी जो एप्पल के डिवाइसेस हैं उनके लिए
ये अवेलेबल होता है, ठीक है। बाकी किसी और मैन्युफैक्चरर के हार्डवेयर के ऊपर ये नहीं चल सकते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस लिमिटेड शेयरिंग इज व्हाट हैज मेड द ओएस थ्राइव, ठीक है। यही इसका ये जो यूनिकपन है, यही आईओएस के थ्राइव कर रहा है, ठीक है। बीइंग कंसीडर्ड एज अ लग्जरी ओएस मोर देन जस्ट अ कमर्शियल ओएस, ये लग्जरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे स्पेशली यूथ जो है और अपर क्लास के लोग जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। इट वॉज रिलीज विद आईफोन इन 2006 जनवरी, तो ये 2006 जनवरी में द फर्स्ट आईफोन रिलीज किया गया, तो इट वॉज पार्ट ऑफ दैट। इन जून 2010 एप्पल चेंज द आईफोन ओएस टू आईओएस, तो इसमें मॉडिफिकेशन करके इसका नाम भी चेंज किया गया और जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर्स हैं वो भी चेंज कर दी गई। इट इज़ रिटन इन सी, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट इन सभी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का मिक्सचर है, ठीक है। आईओएस कर्नल इज द एक्स एंड यू कर्नल ऑफ डार्विन, तो जो कर्नल है इसका एक्स एंड यू कर्नल ही है, उसके ऊपर बाकी मॉड्यूल्स डाले गए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आईओएस, ठीक है। द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म इज एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड जो है ये ऑपरेटिंग जो आईओएस है उससे भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इजी टू यूज़ और पोर्टेबल भी है। एंड्रॉयड इज ऑल्सो पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनफैक्ट इट कुड इवन बी मोर वाइड स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब देन एनी अदर ओएस एवर। एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिनक्स कर्नल, सो इट्स कर्नल is a modified Linux kernel and other open source software designed primarily for touch screens etc. This is a combination of Linux kernel and modules for different activities or different features of the mobile phone. It was unveiled in November 2007, to year 2007 mein emerge hua, theek hai, samjha ki ye iOS ke baad aaya, because that iOS was released in January 2006 with the first commercial Android device launched in September 2008. So, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 2007 में वजूद में आया, और 2008 में, सितंबर 2008 में जो फर्स्ट डिवाइस एंड्रॉयड ने लॉन्च की, तो इट वॉज पार्ट ऑफ दैट डिवाइस, ओके। Good thing about Android is that it is free, it is open source software, its software is known as Android Open Source Project, AOSP. वहाँ पर आपको Android को मिल सकता है, सो यू कैन टॉलरेट इन, यू कैन मॉडिफाई, यू कैन एग्जीक्यूट इन कंपाइल एंड बिल्ड रन एक्सेट्रा, विच इज़ प्राइमरीली लाइसेंस्ड अंडर द Apache लाइसेंस, ठीक है। तो ये Android के बारे में, ओके। थर्ड वन इज ब्लैकबेरी, ठीक है। ब्लैकबेरी इज अ ब्रांड स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड सर्विसेज ओरिजिनली डिजाइंड एंड मार्केट बाय कैनेडियन कंपनी ब्लैकबेरी लिमिटेड, एक कैनेडियन कंपनी थी ब्लैकबेरी, वही इसका हार्डवेयर जो है वो डिज़ाइन उन्होंने किया और फिर इसके ऊपर अपने सिस्टम भी उन्होंने डिज़ाइन किया, उसको ब्लैकबेरी का नाम दिया। दिस इज़ वन पावरफुलर, आई मीन वट दिस इज़ वन पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज रियली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इट मीन दैट इट स्टूड फॉर लॉन्ग टाइम, इट वॉज देयर फॉर ईयर्स, ठीक है। द ब्लैकबेरी हैज़ अ वेरी यूनिक यूजर इंटरफेस, तो इनका जो इंटरफेस है वो बाकी सबसे बहुत ही यूनिक है, तो जिन्होंने के ब्लैकबेरी फ़ोन यूज़ किए हुए हैं या वो ऑपरेशन यूज़ किए हुए हैं उनको इसका नाम लाऊंगा। इट इंट्रोड्यूसेस यू टू लिमिटलेस एप्लीकेशन दैट यू माइट नॉट फाइंड एनी, इसकी एप्लीकेशन विद ताशा है, ठीक है। इट वॉज रिलीज इन जनवरी 1999, 22 ईयर्स अगो, इसका मतलब है कि दिस वॉज दी आई मीन दी दी ऑपरेटिंग सिस्टम और दी मोबाइल ओएस दैट वॉज रिलीज 22 ईयर्स अगो बिफोर ऑल दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बिफोर
iOS before Android. The BlackBerry line traditionally uses a proprietary operating system developed by BlackBerry Limited, known as BlackBerry OS. तो BlackBerry OS ही तमाम जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, इस कंपनी के, BlackBerry Limited कंपनी के, तो BlackBerry OS ही यूज़ करते हैं. In 2030, BlackBerry introduces BlackBerry 10, a major revamp of the platform. तो एक मेजर मॉडिफिकेशन की गई, मेजर फीचर इसमें रिवेम कर दिए गए. और लेटेस्ट जो इसका अच्छा रहा है वो ब्लैकबेरी 10 ही है, जो कि 2013 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ओके, दी मोस्ट आई मीन वेल नोन इज विंडोज़. ठीक है, तो विंडोज़ तो हमने लैपटॉप्स और जो बाकी पीसीज वगैरह के लिए इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बहुत ही कॉमन है और बहुत ही यूज़ करें, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है. ठीक है, ये पीसीज के लिए तो हमने यूज़ किया हुआ है. फ़ोन के ऊपर ये एक लुमिया सीरीज फ़ोन किसी ने यूज़ किए हुए हैं, तो उस के ऊपर यही विंडोज टाइल्स की सूरत में, मतलब इसके जो चीज़ें थी वो टाइल्स की सूरत में स्क्रीन नज़र आ रही होती थी. सो विंडोज फोन WP इज़ अ डिसकंटिन्यूड फैमिली. अब इसके डिवाइसेस जो हैं या फोन जो हैं वो नहीं आ रहे. डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मार्टफोन्स. ठीक है, इट वॉज फर्स्ट लॉन्च इन अक्टूबर 2010. तो ये इसकी उम्र जो है वो iOS, Android और BlackBerry से नस्बतन कम है. ठीक है, दिस वाज इन लंदन, माइक्रोसॉफ्ट CEO रिलीज दिस वन. फिर फरवरी 10 में ये लॉन्च हुई. ठीक है, 2011 में क्या हुआ कि जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है स्टीव बाल्मर और नोकिया के CEO जो है स्टीफन इलॉप जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टनरशिप की. उस पार्टनरशिप में यह था कि जो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए जा रहे हैं वो अगर विंडोज़ अगर विंडोज़ जो है वो ऐसे हार्डवेयर डिज़ाइन नहीं कर रहे तो उनके जो स्मार्टफोन आई मीन उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोडक्ट है वो आके नोकिया के हार्डवेयर पे चलेगा या फोन्स के ऊपर रन हो सके. ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट बिगेन टू प्रायोरिटाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसको प्रायोरिटाइज कर दिया है रदर देन टू डेवलप हार्डवेयर फॉर देयर सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रेशन विद एंड्रॉयड एंड iOS इंस्टेंट एंड सीज्ड एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ विंडोज 10 मोबाइल इन 2017. तो 2017 के बाद कोई लूम विंडोज कोई भी फ़ोन देखने को नहीं मिलता. ओके, ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स. इसके लिए हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो इफ दिस इज द केस एंड देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स देन वाई we have targeted the Android platform, what is the motivation? The first motivation is, this is a survey of 2019, May 7, that there are 2.5 billion active Android devices. This is a big number, major number. 2.5 billion means it is around, ठीक है, इज अराउंड वी नो दैट 1 billion इज इक्वल टू 1,000 millions एंड 1,000 एंड 1 million इज इक्वल टू 10 lakh. सो दिस इज एक्चुअली 10,000 lakhs. And then multiply it 2.5, so it will become 2.5
इट इज 25,000 लैक्स. सो 25,000 लैक्स, दिस इज अ वेरी बिग नंबर. इतनी डिवाइसेस हैं एंड जो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड. ठीक है, सो अगर इसका मतलब ये होगा कि एंड्रॉयड जो है वो सबसे पॉपुलर है ना. सो दिस इज़ वन मोटिवेशन दैट वी हैव सेलेक्टेड दिस फॉर दिस कोर्स. ठीक है, सो 10 years आफ्टर इट्स फर्स्ट लॉन्च Android is still setting device records. At the I/O developer conference, Google announced that there are currently 2.5 billion active Android or active जो है जो कि active Android को use कर रहे हैं वो device. Since the number is based on Google's Play Store statistics, it doesn't include non-Play Store forks like Amazon's Fire OS. बाकी जो आई मीन वेन्यूज़ हैं, ठीक है, या पोर्टल्स हैं, यहाँ पे भी एंड्रॉयड के या बाकी जो सॉरी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ दी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये अगर सारे आप इंक्लूड कर देंगे डिवाइसेस और चाइना के जो डिवाइसेस हैं जो कि गूगल की स्टैटिस्टिक्स में शामिल नहीं है, तो ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा. सो दैट्स वाई बिकॉज देर आर आई मीन अ नंबर ऑफ यूजर्स एंड इट इज़ डोमिनेंट व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ यूजर्स. सो दैट्स वाई आवर फोकस इज एंड्रॉइड. सो दिस इज द स्मार्टफोन. The statistics of smartphones market, ठीक है, तो Samsung जो कि primarily Android ही use करता है, तो आप देख सकते हैं कि market share उसका है 28.36% of the total market share. उसके बाद Apple है. So Samsung is dominant and Samsung use Android operating system, so that's why it is of a great interest. Android is of great interest and we are focusing this. When it comes to the mobile operating system market share, it's a pehle jata wo devices ka tha kitna market share hai March 2021 mein jo survey hua hai uske mutabik 71% share jo hai wo Android ka hai. Theek hai, एंड्रॉयड का जो मार्केट शेयर है दैट इज 71% ऑफ द टोटल 100% ऑफ द वर्ल्ड वाइड मार्केट. सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग एंड्रॉयड. इसके कुछ टेक्निकल एडवांटेजेस भी है जो इसको यूनिक बनाता है. द वन इज यू डोंट नीड टू पे इफ यू वांट टू आई मीन डेवलप टेस्ट एप्स or anything. Okay, you can freely develop your apps. It is an open source platform, so you have the access to the source code of the platform. And there are numerous chances of innovation and more development. Okay, it uses Java programming language, which is easy and which is well known. It has, large feature set and easy to integrate more and more features. It is easy, it is effective, it is cost effective prototyping. It gives you facility of cost effective prototyping for research and businesses. Okay, your development environment hai jo iske tools hai jahan pe aap develop kar rahe hain wo tools jo hain wo Windows ke upar bhi chal sakte hain, wo Mac ke upar bhi chal sakte hain, Linux ke upar bhi chal sakte hain. Theek hai, to एंड्रॉयड स्टूडियो जो हमारा फोकस है जिसके अंदर हम बैठ के ऐप डेवलपमेंट करेंगे इस कोर्स में, तो वो आप विंडोज़ के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं. तो दैट इज़ अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ एंड्रॉयड.
और वो आप मैक के ऊपर भी कर सकते हैं, वो आप लिनक्स के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, अनदर रीज़न इज़ इट हैज़ बिजनेस एडवांटेजेस ओवर अदर प्लेटफॉर्म्स। सो गूगल प्ले के ऊपर अगर आप ऐप डेवलप करके गूगल प्ले के ऊपर डालना चाहते हैं ताकि वो सारे यूज़र्स यूज़ कर सकें, ठीक है, तो आपको वन टाइम और बहुत कम रजिस्ट्रेशन फीस है, फ्यू डॉलर्स, वो करके आप गूगल प्ले के ऊपर इस डेवलपर रजिस्टर हो जाएंगे और फिर आप जितने ऐप्स चाहे आप अपलोड कर सकते हैं, वो लोग यूज़ करेंगे तो आपको उसकी पेमेंट आएगी। सिर्फ ये गूगल प्ले ही नहीं है बल्कि देर आर अदर मेनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, जो आपने ऐप डिज़ाइन किया और ऐप मल्टीपल यूजर्स को रिसीव हो सकता है। आप मार्केट और आप अगर डेवलपर है बीइंग एंड्रॉयड डेवलपर, तो मार्केट और आपके बीच जो है वो बहुत कम बैरियर्स हैं अदर देन अदर iOS एटसेट्रा, जो कि उसकी उनकी जो उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और लेंथी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। सो देर आर नो अप्रूवल प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, लिस्ट रिस्ट्रिक्शन विद कॉपी राइट इशूज एट्सेट्रा, इसलिए बहुत ही ईजीली आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने आप को। ओके, देयर आर नंबरस अपॉर्चुनिटीज बिकॉज गूगल प्ले मेक श्योर कि आपका जो ऐप है आपने इस पर अपलोड किया है वो मिनिमम यूजर्स तक पहुंच सके, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर जो है वो ऑलमोस्ट सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स पे अवेलेबल है। एक अमेज़ॉन ऐप स्टोर भी है, वहाँ भी वही एंटरप्राइज मार्केट स्टोर भी है, वहाँ भी थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप ऐप जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। देखिए, आप गूगल प्ले के रिकॉर्ड में चेक करें तो ये छोटा सा एक फॉर्म है, ठीक है, एंड दी फीस रजिस्ट्रेशन दैट इज़ $25, ठीक है। तो जिस टाइम आई होप कि ये भी यही इतनी होगी, जिस टाइम मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था उस टाइम ये फीस जो है वो 25 US dollars ही थी, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू आई मीन फिल दिस फॉर्म एंड डिपॉजिट 25 डॉलर्स इन दियर अकाउंट एंड यू विल बी गुड टू गो टू अपलोड एप्लीकेशंस एज अ डेवलपर, ठीक है। अमेज़ॉन ऐप स्टोर, वहाँ पर भी ये तीन स्टेप्स हैं, वहाँ पर भी आप इजीली बना सकते हैं अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है वो लेंथी है एज कम्पेयर टू दी गूगल प्ले, ठीक है, और इसकी फीस भी उससे लेस या ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ठीक है। रिसर्च की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, जो कि आजकल एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशंस हैं वो मोस्टली हेल्थ केयर से रिलेटेड जो ऐप्स हैं वो एंड्रॉयड ही में लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो देर आर ऐप्स फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड डेटा एक्विजिशन रिलेटेड टू एम हेल्थ, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली टू ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ the applications of Android for mHealth. Okay, the Android provide a facility, I mean, to connect with other hardware devices like Arduino etc. इससे ये होता है कि जो engineers लोग हैं, ठीक है, उनको एक platform मिलता है जहाँ पर वो innovation कर सकते हैं, जहाँ पर problems, different problems के solution वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई इट इज़ मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स प्रेफर टू आई मीन डील विद एंड्रॉयड रादर देन अदर प्लेटफॉर्म व्हिच आर हैवी एंड यू नो व्हिच आर ट्रिकी। सो आर्डिनो इज अ हार्डवेयर, इट्स ऑपोसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म एंड इट कैन सेंस द एनवायरनमेंट बाय रिसीविंग इनपुट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सेंसर्स एंड कैन affect
इट्स सराउंडिंग बाई कंट्रोलिंग लाइट्स, मोटर्स एंड अदर एक्चुएटर्स। तो ये इतनी ज़बरदस्त डिवाइस जो है ये एंड्रॉइड से कम्युनिकेशन कर सकती है, एंड दैट्स वाई हम जब आर्डिनो किसी सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम एंड्रॉइड से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जो प्री रिक्वेस्ट है वो एक आपको जावा नहीं चाहिए, ठीक है, और जावा इसलिए है कि वो ईजी भी है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो एडवांटेजेस हैं वो तो आपको पता है कि उसमें कोड रिड्यूसिबिलिटी, इनहेरिटेंस, आई मीन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें, ये इस वजह से जावा ही प्रेफर किया जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई गूगल चूजेस जावा फॉर एंड्रॉयड, व्हाई नॉट अदर लैंग्वेजेस। सो जावा इज अ नॉन लैंग्वेज, लैंग्वेज पर नो इट एंड डोंट हैव टू लर्न इट। दिस इज, तो जावा को सिलेक्ट करने से ये होगा कि जो डेवलपर्स की जो स्ट्रेंथ है, आई मीन डेवलपर्स, नंबर ऑफ डेवलपर्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। इट्स हार्डर टू शूट योर सेल्फ विद जावा देन विद सी सी प्लस। जावा में चूँकि पॉइंटर्स नहीं है, तो और पॉइंटर्स हमने देखा है कि दैट पॉइंटर्स इज वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज यू डील विद मेमोरी एंड मीन यू हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी यू कैन मेक आई मीन डैमेज, ठीक है। It runs in a VM virtual machine, so no need to recompile it for every phone. तो वही बात की, this is platform independent. ये और ये जावा की बहुत बड़ी, आई मीन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। A large number of development tools are available for developers. Java has huge open source support with many libraries and tools are available to make developers life, to make the developers life easy. ठीक है, सो ये कुछ ठीक है। एंड अदर वन इज तो लाइब्रेरीज अवेलेबल है, डिफरेंट टूल्स हैं, तो आपको स्क्रैच से कोड नहीं करना पड़ता, बल्कि चीज़ें आपको बनी बनी प्रोवाइड की जाती है। यू जस्ट नीड टू हैव आई मीन आइडिया ऑफ हाउ टू इंटीग्रेट डिफरेंट मॉड्यूल्स। सिविल मोबाइल फोन्स ऑलरेडी यूज जावा मिनी एडिशन जो है या माइक्रो एडिशन जो है, वो ऑलरेडी बहुत सारे फ़ोन जो है उनमें ये बिल्ट इन फैसिलिटी होती है, तो इसलिए हमें आसान होता है। और जावा जो है वो मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत पहले से नॉन है। जावा अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट सैंडबॉक्स एप्लीकेशंस, ठीक है, एंड क्रिएट अ बेटर सिक्योरिटी मॉडल। तो हर एप्लीकेशन के लिए, हर एप्लीकेशन एक अलग सैंडबॉक्स में, आई मीन दैट इज काइंड ऑफ डेडिकेटेड एनवायरनमेंट इनसाइड द मोबाइल फॉर एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो एंड्रॉयड क्या करता है कि हर एक ऐप को उसके सैंडबॉक्स में रन करा होता है, तो वो चीज़ आपसे मिक्स नहीं होती। ऑलरेडी उसमें पॉइंटर्स नहीं है, तो आप मेमोरी आप खेल नहीं सकते। और दूसरा ये चीज़ भी आ गई कि सैंडबॉक्स में एप्लीकेशन रन होते हैं, तो ये दिस इज़ एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी दैट जावा प्रोवाइड्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जी कि एंड्रॉयड क्यों सेलेक्ट किया, फिर एंड्रॉयड के जावा क्यों सेलेक्ट किया, और स्मार्टफोन्स में से कौन से फीचर होते हैं जो कि नॉर्मल फोन्स में नहीं होते। फिर हमने बहुत सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, और फिर जावा हमें नज़र आया कि एंड्रॉयड जो है वो डोमिनेंट है ड्यू टू सिविल, आई मीन सिविल द रीजंस, वन ऑफ देम इज दैट देयर मेनी नंबर ऑफ डिवाइसेस, इज अ ग्रेट स्मार्टफोन मार्केट शेयर, इट इज आई मीन ए ह्यूज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट शेयर, इज अ टेक्निकल एडवांटेजेस, business related advantages, there are many opportunities, and it has a lot of potential for research and development, innovation. Very limited number of prerequisites, and then it uses Java, which is well known, which is very user friendly, which is platform independent, and which is secure.